साथियों नमस्कार। रीट भर्ती में पद बढ़ाने को लेकर लगातार युवा बेरोजगारों का संघर्ष जारी है, लेकिन अभी जो एक मामला सामने आया कि रीट भर्ती में 1000 पद उर्दू विषय के लिए लगातार मांग की जा रही है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री सलाहकार दानिश अबराज जी ने शिक्षा मंत्री से मुलाकात की। आज मैं शिक्षा मंत्री ऑफिस गया तो मुझे पता चला कि 31,000 में से ही 1,000 की वो मांग कर, उसके बाद मैंने विरोध किया कि 31,000 में से नहीं, 31,000 के अलावा आप 1,000 नहीं 2,000 पदों की मांग करिए, मैं आपके साथ हूं, मैं उर्दू के पदों का विरोध में नहीं। कई लोग मुझे कॉल और मैसेज करके धमकी दे रहे हैं, ये कह रहे हैं, तो धमकी से मैं डरने वाला नहीं हूं, सच के लिए मैं लड़ाई लड़ता हूं और पीछे हटने वाला नहीं हूं। कि 31,000 में से पद काट दिया जाएगा, जो लोग कई महीनों से संघर्ष कर रहे हैं उनका क्या होगा, सरकार ने एक पद बढ़ाया नहीं और 31,000 में से पद काट दिए जाएंगे। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, शिक्षा मंत्री जी से अपील करता हूं कि यदि 31,000 में से पद काटे जाते हैं तो मैं खुद शिक्षा मंत्री जी आपके घर पर आके धरना दूंगा, यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पदों की संख्या बढ़ानी चाहिए, आप 50,000 नहीं कर सकते तो 45,000 करिए, उर्दू के शिक्षक 1,000 नहीं 2,000 निकालिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 31,000 में से काटे जाएंगे तो इसका विरोध होगा। चाहे दानिश अबराज जी का विरोध करना पड़े तो दानिश अबराज जी का विरोध करेंगे, लेकिन एक पद कम नहीं होने देंगे। ये आप निवेदन समझिए, चुनौती समझिए, चेतावनी समझिए, किसी भी हालात में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम लगातार मांग करें, आप 50 नहीं कर सकते 45,000 रीट के पद कर दीजिए। शिक्षा विभाग में पद खाली है, जब 20,000 की घोषणा की है उसके बावजूद भी पद हजारों की संख्या में खाली है, तो 20,000 पद बढ़ाए जा सकते हैं, जिसकी मांग हम करें। माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे अपील और निवेदन करना चाहूंगा, 45,000 करके बेरोजगार को राहत प्रदान करें, उर्दू के भी निकाल दीजिए, विशेष शिक्षक के 1,000 पद निकाले इनके भी 2,000 कर दीजिए। अब ये कह रहे हैं कि हम तो 31,000 में से लेंगे, मुझे चैलेंज दे रहे थे 31,000 लेके बताएंगे, तो भैया चैलेंज मुझे भी अब मंजूर है, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे मुझे शिक्षा मंत्री जी घर पर जाके धरना देना पड़े, आप चैलेंज दे रहे हो तो चैलेंज मुझे स्वीकार है। फोन करके बार बार चैलेंज दे रहे हो ना, दीजिए चैलेंज, दीजिए धमकी, लेकिन बात ऐसी है, मैं आपके खिलाफ नहीं हूं, उर्दू के पदों के खिलाफ नहीं हूं। जिस प्रकार विशेष शिक्षकों के जो हमने मांग की थी, क्या उनके 31,000 के अलावा 1,000 पद नहीं आए, 32,000 नहीं हुए? अरे मुख्यमंत्री सलाहकार, आपके कई एमएलए आपके साथ है, तो 1,000 पद आपके अलग से आ सकते हैं, आप उसकी तरफ ध्यान दीजिए, आप 31,000 में पद कम कराने की तरफ मत ध्यान दीजिए। इसका विरोध आज भी कर रहा हूं, कल भी कर रहा हूं, हमेशा करूंगा, लेकिन उर्दू के मैं खिलाफ नहीं हूं, साथ हूं, लेकिन 31 के अलावा मांग करिए। आपके तो सलाहकार आपके खुद के हैं, पद बढ़ सकते हैं, जब 1,000 विशेष शिक्षक के अलग से आए हैं तो क्या आपके अलग से नहीं आ सकते हैं? इसलिए मैं आपके खिलाफ नहीं हूं, आपके साथ हूं, लेकिन कम किए जाएंगे 31 में से, तो मैं इसके सख्त खिलाफ हूं, विरोध में हूं, ये मेरा स्पष्ट संदेश है। और युवा साथियों से अपील करना चाहूंगा कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, और सरकार से भी अपील करना चाहूंगा कि आपकी शिक्षा विभाग में पद खाली है। आज मैं भजनलाल जाटव जो मंत्री हैं, पीडब्ल्यूडी मंत्री, उनसे मुलाकात की थी, उनको पूरा मामला समझाया, तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा कम से कम 45 कर दीजिए, तो उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री जी से इस संबंध में चर्चा करूंगा। तो साथियों लगातार हमारा प्रयास जारी है, धन्यवाद।